કરવા કયા ઈઆરસીપી લ્યાબા વાળા મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્મા બન્યા ભાગીરથ સંસદરા બજેટ સત્ર સુ પહેલા સરકાર કરી સર્વદલીય બેઠક 31 જનવરી સુ 9 ફરવરી તાઈ ચાલે લો બજેટ સત્ર राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज राजघाट स्थापित बापूरी समाधि माते भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्पांजलि करिया अर्पित भाजपा भारत और सऊदी अरब रे बीच महाजन रेंज माए चाल रिया संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक दोनों देशों रे बीच सैन्य सहयोग ने मिले लो बढ़ावो और कुष्ठ रोग निवारण दिवस आज जयपुर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की भी शुरुआत 13 फरवरी तक चलायो जावेलो अभियान दूरदर्शन रा सांजा कालीन राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत मैं हूं आपरे साथे पुलकित तरबे खबर विगतवार राज्य विधानसभा री कार्यवाही प्रश्नकाल रे साथे शुरू हुई सबसे पहले शहीद दिवस माते दो मिनट रो मौन राख्यो गयो ईआरसीपी और राज्यपाल रा अभिभाषण माते चर्चा हुई चर्चा माते जवाब देता थका कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहो कि 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र माए कमलनाथ ने पत्र लिखो थो वणा यो कहर मना कर दीना कि 75% निर्भरता माते बनार लियाओ जावे वणा कहो कि 1975 में इंदिरा गांधी रा कार्यकाल में भी सर्कुलर जाली हुई हो कृषि मंत्री कहो कि ईआरसीपी रूपी गंगा ने लियाबा सारू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भागीरथ बनिया है प्रश्नकाल के दौरान विधायक रफीक खान कानी सु जेला माए सुरक्षा और वारा विस्तार ने लेर सवाल किना इन माथे मंत्री गजेंद्र सिंह जवाब देता थका कहो कि कैदिया री संख्या रे मुजब सरकार जेला रो विस्तार करेली वटे ही वे नुवा जिला माए भी जेल बनावारो भरोसो दिनो वटे ही जेला री सुरक्षा ने लेर कहो कि टेम टेम माते कार्यवाही की जा रही है सत्तानवे पॉइंट 46 एमसीएम चाहिएगा जयपुर रूरल को 95.23 एमसीएम चाहिएगा टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईसरदा इंक्लूडिंग लॉसेस 30% ये होगा अध्यक्ष महोदय 416.94% फिर बीसलपुर डैम एडिशनल वाटर डिमांड फॉर बीसलपुर जो अब जो डिमांड आई है वो है 476.48 एमसीएम एडिशनल डिमांड फ्रॉम बीसलपुर इंक्लूडिंग लॉसेज 30% वो है 619.42% वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ बीसलपुर उसको चाहिए 442.92% टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बीसल इंक्लूडिंग डेफिसिट उसको चाहिए 1062.34 एमसीएम अब वाटर रिक्वायर्ड बाई पीएचईडी एमसीएम टू कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज 54 एमसीएम टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू पीएचईडी जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा जो प्रेजेंट आंकड़ा है जो हमने पीएचईडी से मांगा है वो चाहिएगा 1533.28 एमसीएम अब के आधार अब के हाँ अब को पूरा करें हाँ हाँ बिल्कुल करें इंक्लूड नहीं मैं आ रहा हूँ वो 2051 तक के लिए 2051 तक के लिए अब आया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज अब यह है ग्रॉस वाटर रिक्वायर इंक्लूडिंग 30% रिजर्वाइज लॉसेज ये 130 एमसीएम अब वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन सुन लो वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन इज 565.82 एमसीएम विधानसभा में चर्चा रे पछे विधायक और मंत्री ईआरसीपी माते आपरी प्रतिक्रिया व्यक्त करिया वे कया कि इनसु पूर्वी राजस्थान खेतर रा किसान ने सिंचाई खातर पानी उपलब्ध वे सकेलो और खेतर माए पेयजल री समस्या वारो समाधान भी होवेलो देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को कि उन्होंने शपथ लेने के 1.5 महीने के अंदर अंदर
ERCP पर MOU किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों साथ बैठे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय शेखावत जी बैठे और उन्होंने MOU करके एक तरह से राजस्थान की जनता को ये सौगात देने का काम किया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसको समयबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे और किसानों को सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना में जोड़ते हुए इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और अगर उस पैसा का हम आकलन करें तो हमारे हिस्से में केवल 4000 करोड़ रुपए ही आ रहे हैं और 4000 करोड़ रुपए में भी जो हमारी पूर्व सरकार वसुंधरा जी के समय में इसी योजनाओं का भाग था, नौनेरा बांध, इसरदा बांध, उसमें 1800 करोड़ रुपए जो पैसा लगा था उसको 4000 करोड़ रुपए वो भी भरेंगे, बचे हमारे 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भी 100 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से दो ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं, इससे बड़ा योगदान राजस्थान की जनता के लिए क्या हो सकता था। जब ये मानिए करीबन 100 में 37000 करोड़ की योजना थी, ये बढ़कर 50000 करोड़ तक पहुँच सकती है, उसमें 90% केंद्र देगा और मात्र 10% हमको देना होगा, उनमें 13 जनों का बहुत भला होगा। ERCP सू राजस्थान रा 13 जिला ने फायदो मिले लो। इन 13 जिला में दौसा भी शामिल है। दौसा जिला रा निवासी ERCP ने जिला खातर घनी फायदेमंद बता रिया है। दौसा रे निवासी आरो कहनो है कि इन सू पेयजल और सिंचाई खातर पानी री समस्या रो समाधान होवेला और युवा वाने रोजगार माय भी मदद मिलेली। दौसा इन पूरे राजस्थान में जो पानी की विकट समस्या थी, भयंकर समस्या थी, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए पानी ही खत्म, जल स्तर गिरता जा रहा था, पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ने जो ये व्यवस्था करी है, ये पूरे राजस्थान के जो पूरी राजस्थान है उसके लिए एक नई ऊर्जा, नई क्रांति का स्रोत क्रिएट किया है। उसी के साथ जिले में पूरे में सभी किसान वर्ग हो चाहे कोई भी मजदूर वर्ग हो, सभी अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई एक नई क्रांति आई हो ऐसे महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, जनता को, किसानों को, सबको उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर, पूरी राजस्थान के अंदर दौसा ज़िले में ERCP लागू होगी और ERCP के अंदर जितने भी ज़िले हैं दौसा पूरी राजस्थान के वो लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद जगी है, किसानों को भी है, आम जनता को भी है कि सरकार लागू करेगी। अब सर अब समझौता हुआ है, पानी आने की उम्मीद है, बहुत खुशी की बात है, इसके आगे के लिए हम सिंचाई में पानी भी मिलेगा। सरकार का समझौता हुआ है, आप देख लो पश्चिमी राजस्थान है, रेत ही रेत है, वहाँ पर भी नहर है, पूर्वी राजस्थान में तो पानी है फिर भी कोई नहर नहीं है, लेकिन अब आएगी तब फ़ायदा मिलेगा। 10-15 साल से जो पानी की समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, अब क्या है जो मतलब ये आस बनती है कि अब जैसे खेतीबाड़ी जो बाहर कमाने जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जो कमाई का जो स्रोत है वो हो जाएगा। और संसद रा बजट सत्र से पहली सरकार आज नवी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चले लो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करी। बैठक में संसद में उठाया जावन वाला मुद्दा समेत संसद री सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करवा माते चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी ने अंतरिम बजट पेश करेला। राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। जो अपोजिशन के पार्टी का है, इन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, दे केम विद द प्लेकार्ड्स एंड दे डिस्टर्ब द हाउस। हमने ये रिक्वेस्ट किया है, इसे नहीं होना चाहिए, इस टर्म का अंतिम सत्र है, हम सब मिलकर अच्छा चर्चा करेंगे, ये हमने निवेदन किया है। सर क्या सबका वापस हो जाएगा। यहाँ तक मैं स्पीकर से बात किया हूँ, चेयरमैन से बात किया हूँ, हमने निवेदन भी किया है सरकार के तरफ से, हमने निवेदन भी किया है सबको, सस्पेंशन ऐसे तो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द सेशन था, कुछ लोगों को प्रिविलेज कमिटी वगैरह में भेजा गया था, लेकिन वो भी हमने स्पीकर और चेयरमैन से, सरकार से निवेदन किया है।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। राजधानी दिल्ली रा राजघाट स्थापित बापूरी समाधि माते प्रार्थना सभारो आयोजन करियो गयो। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की। सत्य और अहिंसा रा मार्ग माते चालता थका महात्मा गांधी ना सिर्फ अंग्रेजा ने भारत छोड़वा खातर मजबूर किया, बल्कि लोगों रा जीवन माए भी बदलाव लावन रो काम करिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि माथे सचिवालय माए महात्मा गांधी री प्रतिमा माथे पुष्प अर्पित कर नमन करिया। वे 2 मिनट रो मौन राख राष्ट्रपिता और शहीदा ने श्रद्धांजलि दीना।
और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज शहीद दिवस माथे महात्मा गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की वटे ही सर्वधर्म प्रार्थना समारोह भी आयोजन करो गयो। इन मौका माथे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहा। और जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय स्थापित गांधी अध्ययन केंद्र में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि माते पुष्पांजलि अर्पित करिया। इन मौके एनसीसी रा छात्र छात्रावास स्वच्छता अभियान के तहत परिसर में सफाई करिया। मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। बहुत तेजी से मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है उसे रोकना आवश्यक है। समाज के लिए दृष्टिकोण बदलना ज़रूरी है। व्यक्ति से ही समाज बनता है, लेकिन समाज व्यक्ति के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए समाज के लिए व्यक्ति कार्य करे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें युवाओं को केंद्रित किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय और एनसीसी के कैडेट हैं। उनको हम सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये जो आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें भारत सरकार की विकसित भारत की संकल्पना है। इस सबके अंदर अगर हम देखें तो चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे विकसित भारत हो, ये सारी बनाने का जो जुम्मा है वो यूथ पीढ़ी के ऊपर है, युवाओं के ऊपर है। और युवाओं को अगर कोई संदेश या कोई आदर्श के रूप में अपनाए जा सकते हैं, रोल मॉडल के रूप में अपनाए जा सकते हैं, तो महात्मा गांधी का पूरा जीवन, जो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो जीवन से संदेश है कि हर व्यक्ति को उस अमृत काल में अपने राष्ट्र के लिए योगदान देने का एक अवसर है। वो विकसित भारत की संकल्पना या जिसको हम कहें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी प्रतिभा स्थल माते जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल और उपभोक्ता मंचरा अध्यक्ष मनोज मील समेत प्रशासनिक अधिकारी प्रतिमा माते फूल चढ़ाया। जिला कलेक्टर महात्मा गांधी राजीवन माते प्रकाश डालता थका वनारा आदर्शा ने अपना वारी अपील की नी। संकल्प लिया गया कि हर एक व्यक्ति व्यक्ति से मानवता के नाते और इंसानियत नाते प्रेम भाईचारे से रहेगा और राष्ट्र और राज्य के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व लगाने का एक संकल्प आज यहाँ पे जो है। अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि माते सीकर जिला रा कलेक्ट्रेट माए शहीद माते पुष्पांजलि दी गई। जिला प्रशासन अधिकारी महात्मा गांधी री प्रतिमा रे सामे फूल चढ़ारवाने श्रद्धांजलि दीनी। इन मौका माते परिसर माए राम नाम कीर्तन भी करियो गयो और अधिकारी 2 मिनट रो मौन राख्या। महात्मा गांधी जी बापू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, वही कार्यक्रम उसमें राज्य सरकार स्तर से पूरा कार्यक्रम आया था, उस कार्यक्रम के हिसाब से जो भजन कीर्तन होना है वो हुआ है और उसके बाद मौन व्रत रख के सभा का समापन हुआ। शहीद दिवस मनाया गया है महात्मा गांधी जी। टोंक जिला मुख्यालय माते गांधी पार्क माए शहीद दिवस माते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 2 मिनट रो मौन राखर नमन कीना। जिला प्रमुख सरोज बंसल श्रद्धा सुमन अर्पित करिया और कयो कि जीवन माए आपाने गांधी जी रा बताया सत्य और अहिंसा रा मार्ग माते चालबारी जरूरत है। श्रद्धांजलि सभा माए जिला प्रशासन अधिकारी जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता रे साथे आम जन भी मौजूद रिया। गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे प्रशासन से सभी प्रशासक लोग आते हैं, कलेक्टर साहब, SDM साहब, पूरे जितने भी गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं सभी श्रद्धांजलि देने आते हैं। जात पात को छोड़ के जो सत्य अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने चलाया उसी को याद करते हुए कि हम भी उन्हीं के मार्ग पथ प्रदर्शक को चले। कर्नाटक रा राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज खाटू श्याम जी पूगर बाबा श्याम रा दर्शन करिया और देश माए खुशहाली री कामना करी। इन मौका माते राज्यपाल पूजा अर्चना भी करिया।
बीकानेरी महाजन रेंज में भारत और सऊदी अरब रे बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक चल रो है। इन सैन्य अभ्यास रो उद्देश्य दोनों देशों रे बीच सैन्य सहयोग बढ़ार अंतर संचालन ने बढ़ावो देनो है। आज कुष्ठ रोग निवारण दिवस है। इनरो उद्देश्य समाज में कुष्ठ रोग रे प्रति जन जागरूकता लावनो है। जयपुर जिला में आज स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कुष्ठ रोग रे प्रति जागरूकता लाबारी शपथ दिलाई गई। 13 फरवरी तई चालबा वाला इन अभियान में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित करी जावेली। जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ रोग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपन को पूरे जिले के लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी कोई छुआछूती बीमारी नहीं है, ये दवाइयों से ठीक हो जाती है। भेदभाव नहीं करना है और ना ही किसी को करने देने के लिए हमें कहना है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और सभी जगह पर शपथ दिलाई जाएगी और ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजित है। उन ग्राम सभाओं में सरपंच के माध्यम से लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि जो कुष्ठ रोग की है उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। इसके अलावा ये पूरा सप्ताह 31 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक ये पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें सभी जगह पे लोक स्तर से ग्राम स्तर पे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह के कुष्ठ रोगियों के लिए इस तरह का भेदभाव नहीं हो। और इसके लिए अब के बाद थीम भी अपने पास में कलंक मिटाएंगे गरिमा अपनाएंगे। बांसवाड़ा में कुष्ठ जागरूकता अभियान रो शुभारंभ करियो गयो। सीएमएचओ डॉक्टर एच एल ताबियारा निर्देशन में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल डिंडोर इन मौका माते जागरूकता वाहन ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। वे कुष्ठ रोग रा बारा माए विस्तृत जानकारी दीना। इन दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव कानिसू जारी संदेश रो वाचन करिया, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी श्रद्धांजलि दीनी। अरदोसा थापित पुलिस लाइन में निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर रखो गयो। इन मौका माते एसपी समेत पुलिस अधिकारी और दूजा पुलिस कर्मियों ने स्वास्थ्य परीक्षण करायो। पुलिस कर्मियों ने तनाव मुक्त रहबा खातर चिकित्सक का कानी सूट टिप्स दिया गया। पुलिस लाइन में एमजीएम अस्पताल के साथ मिलके एक पुलिस के हमारे जवानों के लिए कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी करवाई जा रही है। इसके अलावा डाइट के बारे में जानकारी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आइडिया एक तो अवेयरनेस जनरेट करने का है और साथ साथ अगर कोई भी चीज़ शुरुआत में ही किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है वो पकड़ के ऑन द बेसिस ऑफ इन चेकअप्स के बेसिस पे कोई डिटेल हेल्थ चेकअप करवाने की आवश्यकता हो तो वो किया जाएगा। और जो पुलिस महकमे में जवान होते हैं वो बहुत बार बड़ी सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उससे बचाने के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। सीकर जिला में कृषक उत्पादक संगठन आरी 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम री शुरुआत हुई। नाबार्ड कानी सु आयोजित कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में पद्मश्री सुंडाराम वर्मा मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रिया। इन दौरान नाबार्ड रा सहायक महाप्रबंधक एमएल मीणा समेत दूजा अधिकारी और कृषक उत्पादक संगठन रा अधिकारी उपस्थित रिया। एफसीओज की जो काज हो जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम है और नाबार्ड द्वारा चलाया गया है वो किसानों के लिए बहुत ही हितकारी होगा। यहाँ आज जो नाबार्ड के विशेषज्ञ हैं उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने अपने अनुभव भी यहाँ बताए हैं कि किस तरह से हम किसानों का हम भला कर सकते हैं, किस तरह से किसानों की चीज़ों की अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। जो एफपीओज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, पीओडीएफ आईडी फंड है एक नाबार्ड के पास, तो उसमें हम लोग
सारे FPOs जो सीकर में बने हैं इस तरह, तो उनके एक कंबाइंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं हम, 3 दिन की और 5 दिन की, BODs की 3 दिन की और CEOs की 5 दिन की। तो वो एक क्रॉस लर्निंग, कैसे आपस में कैसे काम कर रहे हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए, ताकि एक सामंजस्य लेते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO कैसे एक जिम्मेदारी पूर्वक कैसे काम करे, नए नए चीज़ें कैसे ला सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, और किसान भाइयों की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे हम एक सकारात्मक में बदलाव ला सकते हैं। जी, ये ट्रेनिंग क्षमता निर्माण के लिए FPOs के मेंबर्स को दी गई है। सीकर जिले में जितने भी हमारे PODFID या फिर किसी अन्य CSS के अंडर जो हमारे FPOs प्रमोट किए गए हैं नाबार्ड द्वारा, उनके CEOs और BODs को ये क्षमता निर्माण कार्य में हमने सम्मिलित किया है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि FPO की एक फंक्शनिंग कैसे होती है, एक आइडियल FPO को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे उसकी रिकॉर्ड कीपिंग हो, कैसे उसके बिजनेस के एक्टिविटीज़ हों, और वो क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो वो आगे भविष्य में कर सकते। नाबार्ड के द्वारा आयोजित इस FPO प्रोग्राम में द्वितीय सेशन में FPO के रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लाइंस के ऊपर चर्चा की जाएगी। इस सेशन में FPO चूंकि एक कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड है, इनके लिए बहुत सारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, इसके अकाउंट कीपिंग, उनकी कंप्लाइंसेज, उनके रिटर्न्स के ऊपर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु उत्तर पश्चिम राजस्थान में बारिश होबारी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ना निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के पहलो पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी सु सक्रिय होवेला, जिनरे चालता श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू रे आसपास रा क्षेत्र में मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारी संभावना है। वटे ही दूसरो पश्चिमी विक्षोभ 3 फरवरी ने सक्रिय होवेला। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक कर फिर सु। राज्य विधानसभा में ERCP माते भी चर्चा, कृषि मंत्री दीना जवाब कहो कि ERCP लियाबा वाला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनिया भागीरथ। संसद रा बजट सत्र सु पहलिया सरकार करी सर्वदलीय बैठक, 31 जनवरी सु 9 फरवरी ताई चाले लो बैठक बजट सत्र। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री पुण्यतिथि आज, राजघाट स्थापित बापू री समाधि माते भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्पांजलि करिया अर्पित। भारत और सऊदी अरब रे बीचे महाजन रेंज माय चाल रियो संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक, दोनों देशों रे बीच सैन्य सहयोग ने मिले लो बढ़ावो। और कुष्ठ रोग निवारण दिवस आज, जयपुर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की भी शुरुआत, 13 फरवरी तक चालियो जावे लो अभियान। दूरदर्शन का राजस्थानी समाचार अटे पूरा व्या, नमस्कार।